सो हे गाइज़, कैसे हो सभी लोग? आई होप सब मस्त होंगे। गाइज़, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि गाइज़ आप लोग को बताने वाला हूँ मैं कि आप VN एप्लीकेशन में विविड फिल्टर कैसे लगा सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो गाइज़, यहाँ पर आने के बाद मैं आप लोग को सिंपल से मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि आप लोग VN एप्लीकेशन में इसको कैसे आप लोग को अप्लाई करना है अपनी वीडियो के ऊपर। सो गाइज़, सबसे पहले आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाकर के आप लोग को एक जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है। एंड यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पर आप लोग को किस तरीके से ऐड करना है फिल्टर को अपनी वीडियो में, और उसके बाद में दिखाऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से VN एप्लीकेशन में इंपोर्ट करना है इस फिल्टर को। सो सबसे पहले गाइस, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमको ये सबसे ऊपर ही मिल जाता है। एंड यहां पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे विविड फिल्टर्स के ऊपर, एंड यहां पर गाइस आप लोग देख सकते हैं कि पूरी वीडियो के ऊपर ही अप्लाई हो जाता है और कितना कमाल का लग रहा है। अभी गाइस चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोगों को इसको कैसे यहाँ पर इंपोर्ट करना है VN एप्लीकेशन में। सो सबसे पहले गाइस आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, आप लोगों को जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। एंड उसके बाद में आप लोग को अपने फाइल मैनेजर में जाना है, एंड यहाँ पर भी आपका जिप फाइल डाउनलोडेड है वहां पर आप लोगों को उस फोल्डर में जाना है। एंड उस पर जाने के बाद में आप लोगों को जिप फाइल दिखेगी, उसके ऊपर टैप कर देना है। अब सिंपल से गाइस उसके ऊपर टैप करने के बाद में आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप लोगों को गाइस यहां पर एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहां पर जो भी फाइल है उसमें आप लोगों को उसको एक्सपोर्ट कर लेनी है। एंड इसको एक्सपोर्ट करने के बाद में सिंपल से गाइस आप लोग को क्या करना है, बैक आ जाना है, ठीक है। एंड फिर से जाना है अपने VN एप्लीकेशन के अंदर, एंड यहां पर गाइस आप लोगों को इसको जैसे जैसे मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं वो स्टेप्स फॉलो करके आप लोगों को को इंपोर्ट कर लेना अपने VN एप्लीकेशन में। सो गाइस यहां पर सिंपली से हम आ चुके हैं, यहां पर आप लोग को अपने प्रोजेक्ट में जाना है, एंड यहां पर गाइस आप लोग को फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाना है ये। सो फिल्टर वाले ऑप्शन पर गाइस जैसे ही टैप करोगे उसके बाद में गाइस आप लोग को प्लस वाला आइकॉन दिखेगा एक बड़ा सा, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे गाइस इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप लोगों को फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इंपोर्ट फ्रॉम फाइल मैनेजर। सिंपल से गाइस इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप लोगों का जो VN एप्लीकेशन है वो आपके फाइल में खुल जाएगा, जहाँ पर भी आपका जो फिल्टर है वो एक्सपोर्ट किया गया है, सॉरी एक्सट्रैक्ट किया गया है। उसके बाद में गाइस सिंपल से इसके ऊपर टैप कर देंगे, एंड यहाँ पर आपका जो फिल्टर है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब गाइस आप लोग को बैक आना है, एंड यहाँ पर गाइस आप लोग को सबसे फ्रंट पर ही दिख जाएगा। सो गाइस इस तरीके से आप लोग VN एप्लीकेशन में फिल्टर को यूज़ और इंपोर्ट कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस वीडियो मैं बहुत ही कम लेंथ की बनाता हूँ जिससे कि आपका टाइम बचे और नॉलेज फुल देता हूँ। सो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और यहाँ से गाइस आप लोग अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गई होगी, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो चलता हूँ अगली वीडियो में, फिर आपसे मिलूंगा एक और नई एडिटिंग ट्रिक के साथ में। सो टाटा बाय बाय।